तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और फ्रेश और कमाल वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप किसी भी ब्राउज़र को अपने स्मार्टफोन का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट कर सकते हैं, फिर चाहे वो क्रोम ब्राउज़र हो, माइक्रोसॉफ्ट एज हो या फिर कोई अदर ब्राउज़र हो। और डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट कर देने के बाद अगर आप अपने स्मार्टफोन में किसी भी लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो डायरेक्टली आपके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ही ओपन हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को आप मिस ना कर पाओ। तो इसके लिए दोस्तों, आपको सबसे पहले सेटिंग्स को ओपन कर लेना है अपने स्मार्टफोन में, और उसके बाद यहाँ से नीचे स्क्रॉल करने पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप्स का, तो आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ से आपको मैनेज ऐप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप अपने स्मार्टफोन के ऐप्स को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, जो कि आपको कॉर्नर में मिलते हैं, और फिर यहाँ से डिफ़ॉल्ट ऐप्स वाले ऑप्शन पे टैप कर दीजिए। इस पे टैप कर देने के बाद यहाँ से आप अपने मोबाइल के डिफ़ॉल्ट ऐप्स को सेट कर सकते हैं, या फिर आप डिफ़ॉल्ट ऐप चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ब्राउज़र वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपके सामने आपके स्मार्टफोन के सभी ब्राउज़र्स आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट करना है उस पर सिंपली क्लिक कर दीजिए। तो अभी मैं यहाँ से क्रोम ब्राउज़र को डिफ़ॉल्ट पे सेट कर देता हूँ। ब्राउज़र को चूज़ करते ही आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ से बैक चलते हैं और आपको मैं एक लिंक ओपन करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं, ये लिंक डायरेक्टली हमारे क्रोम ब्राउज़र में ओपन हो जाता है। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, तो ऐसे ही आप भी फ्रेंड्स अपने स्मार्टफोन में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था फिलहाल की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, अगर वीडियो से आपकी कोई भी हेल्प हुई हो। और अगर फ्रेंड्स आपके स्मार्टफोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।